ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व सदस्य और तीन बार कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर नगर सीट से विधायक का चुनाव लड़ चुकी उमा भूषण ने आज कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूर पर जमकर वार करते हुए उन्हें केवल मौका प्रस्तुत ही नहीं बताया बल्कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी के लिए बयानबाजी करने पर ऐतराज जताते हुए कहा कि कांग्रेस को ऐसे व्यक्ति को निष्कासित कर देना चाहिए। इमरान मसूर केवल भाजपा को फायदा पहुँचाने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। इमरान मसूद के कारण ही केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद द्वारा सपा की तारीफ किए जाने के बाद उनकी सपा में जाने की संभावना ज्यादा बलवती हो गई। देखिए क्या कहा कांग्रेस नेत्री ने। इमरान साहब के कुछ बयान जो पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं, इस बात से हमारी ना इत्तफाकी है। हम इस बात को आगे हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर पार्टी कमज़ोर है या पार्टी में खामी है तो पहले हम पार्टी से इस्तीफा दें, वो पार्टी से इस्तीफा दें और उसके बाद पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलें। कहते थे कि मुलायम सिंह जी की धोती के नीचे आरएसएस की निकर है और वो कांग्रेस के हाथ के निशान को खूनी पंजा कंबो के पुल से उनकी स्पीच थी। अगर कुछ लोग कहते भी थे नहीं सब सेकुलरिज्म के लिए कांग्रेस पार्टी, तो मना करते थे कि हमारे कहने से भी कांग्रेस को वोट नहीं देना। हाँ, वो मौका परस्त हैं जिसका इतिहास है कि बाबा पार्टी बदलते हैं और अपने बूते पे अपने ऊपर एतबार नहीं है, अपने लोगों पे भी एतबार नहीं है। वो सिर्फ किसी भी पार्टी का नाव में बैठ कर के पार होना चाहते हैं। पा में जाएंगे कांग्रेस को फ़ायदा होगा। सबसे पहले ज़िले की कांग्रेस में कम से कम ये एक जो किसी की नहीं चलने देते, किसी को भी नहीं पूछते, सबको दरकिनार कर दिया है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो कांग्रेस को होगा इनके जाने का। बिल्कुल सर्टेनली, पहली बात तो ये जा ही नहीं रहे हैं, अखिलेश जी इनको ले ही नहीं रहे हैं जहाँ तक कि आज तक की हमारे पास खबरें हैं। लेकिन अगर ये जाते हैं तो इसका फ़ायदा सर्टेनली भाजपा को मिलेगा, चूँकि जो सॉफ्ट हिंदू है फिर वो इनसे खुश नहीं है और वो भाजपा की तरफ बढ़ जाएगा। जो आज भाजपा की नीतियों से और महंगाई से और नीतियों से जो हिंदू नाराज है, मगर इनके आने से वो भी भाजपा की तरफ जाएगा और पार्टी से कट जाएगा। इसी बात पे तो हमको शिकायत है कि पार्टी से निकल करके आप कहिए ना ये बात, जिस राष्ट्रीय नेता की आप दुहाई देते हैं, जो राष्ट्रीय नेता आपको इतना मानती है और आपकी राष्ट्रीय नेता है, उसके खिलाफ आप उनको वो कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं। यही हमारी शिकायत है। आप कैसे कह सकते हैं प्रियंका राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्रीय नेता के खिलाफ वो पार्टी छोड़ करके बयान निष्कासित करने का मांग किया है? आपको लगता है कि आपका आलाकमान आपकी बात मानेगा? ये तो आलाकमान बताएगा। हमारा काम सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त करना है, इस भावना से जो कि मैं कह चुकी हूँ उससे पहले कि ना कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया का हिंदू की भावना आहत हुई और इतनी बहुतायत में इनको वोट मिला और इनके पास इतना पैसा और इतना चंदा विदेशों से भी आया। सिर्फ उस बयान की वजह से, सिर्फ एक बयान ने नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार को हमारे सर पर बिठा दिया। अगर ये बयान ना होता तो इनकी अक्सरियत में सीटें नहीं आने जा रही थी। उसके जिम्मेदार इमरान मसूद हैं। मेरे मुसलमान भाइयों को इससे खुश होने के बजाय इससे नाराज़ होना चाहिए कि आप एक बात का जवाब दीजिए कि आज़म खान साहब की तो यूनिवर्सिटी को गिरा दिया गया, आज़म खान को जेल में डाल दिया गया, यूनिवर्सिटी को गिरा दिया गया और कब्जे कर लिए गए। इनके ऊपर भी मैंने सुना है कि मुकदमे हैं। इन्होंने भी अपने घर और ऑफिस सरकारी ज़मीनों में बना रखे हैं, मुकदमे भी चल रहे हैं। इनके ऊपर आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? इनके मकान क्यों नहीं गिराए जा रहे हैं? तो इन सब चीज़ों से साबित होता है कि भाजपा की और इनकी मिली भगत है।